नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर 24 और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा मुकाम हासिल करने वाली जिले की 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया। माधव सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित डॉक्टर मनीष चौहान ने संस्थान की प्रशंसा करते हुए सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की संयोजिका प्रियंका अवस्थी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि अनेकों बाधाओं को पार करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं समाज में सराहनीय योगदान दे रही हैं, जिनका समय समय पर उत्साहवर्धन करना संस्थान का दायित्व है। इसके पूर्व संस्थान के संरक्षक एवं भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अरविंद श्रीवास्तव, एडवोकेट और व्यापार मंडल के अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। क्या कार्यक्रम है? मैं आज यहाँ नारी सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर आई हूँ और नारियों के नाम पर सम्मान हो रहा है। 51 नारियों को सम्मानित किया गया, जो कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो जैसा अपने हिसाब से कर सकता है उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि नारी आज इतना कुछ कर रही है। महिलाओं को इतना सम्मान होता है, सबको छोड़ा फिर महिलाओं को उत्पीड़न लगातार जारी है, इस पे क्या? उत्पीड़न तो सभी जगह हो ही जाता है कुछ ना कुछ औरतों का, और इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है कि सरकार लापरवाही करती है महिलाओं की तरफ से, उनके लिए उतना सक्रिय होकर नहीं सोचती है जितना कि महिलाओं के लिए करना चाहिए सरकार, और इसमें सरकार की बहुत बड़ी कमी है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर माता सेवा संस्थान की ओर से, जिसकी डायरेक्टर वुमेन्स डे पे प्रोग्राम करा रही है, और इसमें नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काफ़ी महिलाओं का सम्मान किया हुआ, और इसके लिए वो उनके एक्सपीरियंसेस भी पूछ रही हैं कि वो किस तरह से उन्होंने अपने आप को बढ़ाया और किस क्षेत्र में वो कार्य कर रही है, उसके लिए सम्मान किया। यहाँ पर विशेष रूप से अनेकों क्षेत्रों में, जैसे डॉक्टरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर जो है चेता हैं यहाँ पर, और डॉक्टर वैशाली चंद्रा हैं, इसके अलावा स्मृति सिंह हैं, बहुत सारी महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में जो नर्स का काम कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी आई हुई हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और बेहतर दिन अथक मेहनत के साथ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महिलाओं को एकत्र किया, जिससे लोगों में एक चेतना जगे कि वो अन्य महिलाएं भी अनेकों क्षेत्र में आगे आएं और वो सम्मान की भागीदारी। मैं अपना परिचय, मैं सीमा श्रीवास्तव, मैम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो हो रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, और आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन महिला का सशक्तिकरण तो महिला के ऊपर डिपेंड करता है। महिला के सशक्तिकरण के लिए उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के साथ साथ उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाए। अकेले पुरुषों का ही काम नहीं है उनको बराबरी का दर्द में अन्य महिलाओं को, सबसे बड़ी बात है कि उस महिला का खुद का अंदर से ये होना चाहिए हमें आगे बढ़ना, सही राय में बढ़ना है, राह सही हो, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो, उसके आधार पे ही महिला का सशक्तिकरण हो सकता है। उसी राय में हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग बगल में किसी और महिला को जरूरत है, उसका सशक्तिकरण कैसे दे सकते हैं। चलिए, क्या कार्यक्रम है आपका? मैं अरविंद श्रीवास्तव, जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा रहता हूँ। क्या कार्यक्रम है आपका? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि 8 मार्च को होता है, 8 मार्च के दिन होली मिलन समारोह हो रहे हैं, होली है, इसलिए आज ये कार्यक्रम 5 तारीख को किया गया है। 5 मार्च को माधव सेवा संस्थान के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गत वर्ष भी किया गया था, इस बार किया गया है, इसी बार 51 महिलाओं को सम्मान किया गया था, इस बार 35 महिलाओं को सम्मान किया गया है। अरे, क्या वजह है कि महिलाओं का इतना कार्यक्रम हो रहा है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्पीड़न बंद नहीं हो रहा है?
देखिए विलन की बात जहाँ तक करते हैं तो वो तो जो है द्वापर युग द्वेता युग में होता आया है और आगे भी अगर सरकारें अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो वो भी होगा। तो ये तो कलम का युग है ना, ये कलम का युग है, कलम का युग है। सरकार ने बहुत ही महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही अपने आप को। मैं अरविंद श्रीवास्तव, जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा रायबरेली। देखिए आज महिला दिवस पे सम्मान समारोह का कार्यक्रम था 8 मार्च को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो यहाँ रायबरेली जनपद में प्रत्येक वर्ष महिलाओं का सम्मान होता है, जो महिलाएं समाज में अच्छा कार्य कर रही हैं। पिछली बार 51 महिलाओं का सम्मान किया गया था। माधव सेवा संस्थान की हमारी अध्यक्ष प्रियंका अवस्थी जी हैं, वो इस कार्यक्रम को आयोजित करती हैं और इस कार्यक्रम में जो अच्छा कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनका सम्मान किया जाता है। आज कितनी महिलाओं का? इस बार 35 महिलाओं का सम्मान किया गया है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से हैं, साहित्य के क्षेत्र से हैं, खेल के क्षेत्र से हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हैं। इसी प्रकार जैसे एडवोकेट हैं, जो भी मतलब अपने अपने क्षेत्र में जो माहिर हैं, चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, ऐसी सभी महिलाओं का सम्मान किया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।